देखिए, आज के जो बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी सदस्यता अभियान पूरा किया है और उसमें हमने राजस्थान में एक रिकॉर्ड सदस्यता और इस बार जो है पूरी की है और सक्रिय सदस्य भी हमारे लगभग बन चुके हैं सब जगह। अब संगठन का चुनाव होगा, उस चुनाव के अंदर प्रत्येक बूथ को हम एक इकाई मान के उसका चुनाव करवाएंगे और उस बूथ के ऊपर जो चुनाव अधिकारी अब नियुक्त करेंगे वो चुनाव अधिकारी उस बूथ का सदस्य नहीं होकर दूसरे बूथ का होगा। ऐसे करके हर बूथ के ऊपर एक इकाई होगी और हर पंचायत मुख्यालय पर हमारा एक शक्ति केंद्र होगा और फिर उसके बाद है ना मंडल होंगे हमारे। तो इस तरह से जो संरचना हमारे संगठन की है उसका पूरा कार्य हो, इसके लिए आज की बैठक और कार्यशाला रखी जिसमें अभी सतीश जी पूनिया विशेष तौर से सदस्यता अभियान के प्रभारी वो आ रहे हैं और वो चुनाव के प्रभारी भी हमारे अपने इस जिले के वो भी हैं, मैं संगठन का प्रभारी हूँ। तो ये अब है ना इसको चुनाव को इसी महीने में यानी कि सितंबर महीने में हम इसमें मंडल तक के चुनाव करवा लेंगे और अक्टूबर में जिले के चुनाव कराना प्रस्तावित है। तो हमने पहले इकाई के चुनाव होंगे, उसके बाद मंडलों के चुनाव, ये दो काम हम 30 सितंबर तक करेंगे, ये अभियान चलेगा। इसके साथ साथ दो चीज़ें मैं और करना चाहता हूँ, एक हम जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। ये दो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए तय किया कि अभी जो हमारी सरकार ने पुलवामा कांड के बाद और अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले ही धारा 370 जो हटाई, तो धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर विभिन्न पार्टियों के लोग बहुत ज़्यादा अनर्गल बातें फैला रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, वहाँ क्यों मारा जा रहा है, उसमें ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। दूसरा, धारा 370 क्या चीज़ थी, आज कुछ लोगों को उसकी पूरी जानकारी गाँव में पूरी नहीं है। धारा 370 हट गई है, ये सब खुश है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि धारा 370 में क्या क्या प्रावधान थे और धारा 370 हटने से लोगों को, वहाँ के लोगों को क्या लाभ होगा और धारा 370 के हटने से देश में किस तरह का वातावरण बनेगा। हमारा जो राष्ट्रीय एक स्वरूप जो था पहले, जिसको हम बार बार कहते थे कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन अभिन्न अंग था नहीं था, ये सारी जानकारियाँ भारतीय जनता पार्टी जन जागरण के द्वारा, जनसंपर्क के द्वारा पूरे गांव गांव में, पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने का अभियान चलाएंगे और ये अभियान भी हमारा 1 तारीख से 30 तारीख तक पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, पूरे सब जगह हम इसको चलाएंगे। तो ये दोनों ही बातों पर हम आज विचार करेंगे, संगठन के चुनाव में और जन जागरण अभियान में, और उसके बाद जो है अक्टूबर में जिले के चुनाव में।